हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू आर रेडी फॉर स्टडी यस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर व्हिच नेम इज द नॉटी निक्की सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नॉटी बच्चे शरारती तो निक्की यहाँ पे शरारती है हम वो पढ़ने जा रहे हैं सो फर्स्ट वी शुड नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स फर्स्ट इज होल होल मीस क्या होता है बच्चे छेद होना किसी चीज में डेड मर जाना ए लाइफ जिंदा होना चैरिबल भयानक ग्रो टू बाइट में काटना सो लेट्स बिगिन निकी द लिटिल नोटिंग एंड सेट टू हिज मदर आई एम गोइंग आउट टू प्ले बी केयरफोर सेट हिज मदर दे आर डेंजरस एनिमल आउट देयर डोंट वरी मदर सेट निक्की एज ही रन आउट ऑफ द होल सो so, जो एक लिटिल नोटी माउस है वो क्या खाता है एट हिज फिल ठीक है उसने खा लिया और अपनी मदर को क्या बोलता है कि आई एम गोइंग आउट टू प्ले कि मैं खेलने जा रहा हूँ बी केयरफुल केयरफुल बच्चे क्या होता है सावधान रहना ठीक है so, सो सावधान उसकी मम्मी किसको बोल रही है निक्की को समझा रही है कि सावधान रहना है क्योंकि देयर आर डेंजरस बहुत सारे खतरनाक एनिमल्स हैं हमारे आसपास ठीक है अगर बाहर जाएंगे तो काफी डेंजरस एनिमल्स हैं डोंट वरी मदर सर निक्की और क्या बोलता है मम्मा चिंता मत करो है ना और निक्की भाग जाता है जस्ट आउटसाइड हिज होल निक्की फाउंड अ लार्ज लायन स्लीपिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री निक्की वेंट राउंड हिम एंड थॉट हाउ लार्ज द किंग इज आई कैन हैव अ वॉक ओवर हिम ही विल नॉट इवन नो ऑफ इट सो अब क्या है जैसे ही वो होल से बाहर आता है निक्के को क्या मिल जाता है एक लार्ज लायन जो सो रहा है पेड़ की छाव में शेड क्या होता है बच्चे शेड होता है पेड़ की छाया ठीक है छाया को बोलते हैं और निक्की जब जाता है वहां पर और वो सोचने लग जाता है कितना बड़ा किंग है ये क्यों ना अभी ये सो रहा है और मैं इसके ऊपर वॉक कर सकता हूँ ली और इसको पता भी नहीं चलेगा थिंकिंग दिस निक्की अप द क्लाइं एंड स्टार्टिंग टू जम्प अराउंड ही इन जॉय फन इट टू ऑन द जंगल्स किंग अब निक्की क्या करता है क्लाइंब करना क्या होता है बच्चे चढ़ना ठीक है

तो अब लायंस हो ही जा रहा है और वो जंप करते ही जा रहा है निक्की तो सोचता है पता नहीं ये मूवी नहीं कर रहा है या लाइन्स नोज द लाइन वॉज डिस्टर्ब फ्रॉम स्लीप ही ग्रू ही कॉट निक्की इन हिस्सपू ही प्लेड अबाउट ऑन मी बट आई डिड नॉट सी एनी थिंग हाउ डेयर यू बाइट मी निक्की वाज टेरिफाइड ही बैगड आई एम सॉरी सो अब क्या करता है निक्की बिट ऑन द लायंस नोज़ लायन की नोज़ पर बिट करना क्या होता है बच्चे काट लेना ठीक है तो लायन की नोज़ को काट लेता है और लायन डिस्टर्ब हो जाता है और उड़ जाता है और उठने के बाद वो क्या करता है उसको निक्की को काट कर लेता है इन हिज पॉ पॉ मींस क्या होता है पंजे में बच्चे पंजे में उसको पकड़ लेता है और क्या बोलता है यू प्लेड अबाउट ऑन मी कि तुम मेरे ऊपर खेल रहे हो बट आई डिड नॉट से तुम्हारी हिम्मत किस तरह से हुई ठीक है मुझे काटने की निक्की वो टेरिफाइड टेरिफाइड मतलब होता है डरना काफी डर गया अब निक्की निक्की डर गया और बोलता है क्या बोलता है ही बैग्ड आई एम सॉरी द लाइन सेड आई थिंक आई मस्ट पनिश यू अब वो बोलता है मुझे तुम्हें पनिश करना ही पड़ेगा प्लीज समझे? और Nikki क्या बोलता है कि मुझे जाने दो। कभी मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा एट दिस द लाइन लावड ही पावरफुल हाउ कैन यू हेल्प मी स्टिल आई लाइक वॉट यू से गो बट नेगेन अब क्या होता है लायन ऐसा सुनकर बहुत जोर से हंसने लग जाता है कि मैं कितना बड़ा हूँ और ताकतवर हूँ और तुम कितने छोटे से हो तुम मेरी हेल्प करोगे और उसको कैसे बोलता है चलो कोई बात नहीं मैं तुम्हें जाने देता हूँ और दोबारा मुझे डिस्टर्ब मत करना देन निकी रन अवे टू हिज होल ही थैंक गॉड एंड ही वॉज स्टिल अलाइव

भयानक आवाज ठीक है और वो अपने होल से बाहर निकलता है और क्या देखता है कि लायन जो है उसको ट्रैप्ड किया गया है उसको ट्रैप कर दिया गया है किसके अंदर नेट के अंदर और लायन क्या कोशिश कर रहा है ट्राइंग टू ब्रेक फ्री कि अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रहा है तो जैसे ही वो भाग कर आता है और लायन से क्या बोलता है ओ किंग जस्ट काम डाउन ठीक है थोड़ा शांति रखो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इवन आई कैन नॉट ब्रेक द नेट वट कैन यू डू सेट द लाइन तो लाइन क्या बोलता है मैं ही इसको नहीं तोड़ पा रहा हूँ नेट को मैं ही नहीं निकल पा रहा हूँ इससे तुम मेरी हेल्प करोगे जस्ट सिट डाउन कामली एंड सी वट आई डू सेट निकी निक्की क्या बोलता है कि आप कामली कामली मीन क्या होता है बच्चे शांति से ठीक है पीसफुली जस्ट सिट डाउन सिट डाउन पीसफुली और बोलता है कि आप देखो सिर्फ निक्की इमीडिएट स्टार्टेड टू नो एट द नेट एंड सेट द लाइन फ्री इन नो टाइम और निक्की ने इमीडिएट अचानक से क्या स्टार्ट कर दिया बाइट करना किसको बाइट कर रहा है वो काट रहा है नेट को जो नेट के वायर होते हैं बच्चे देख रहे हो आप यहाँ पर तो उसको कट करना शुरू कर देता है अपने दांतों से द लाइन वॉज हैप्पी ही सेड यू आर स्मॉल बट यू डिजर्व टू बी माई फ्रेंड द टू लाव टूगेदर और लाइन देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसने पूरा नेट कट कर दिया था और क्या बोलता है कि तुम इतने छोटे हो लेकिन तुम डिजर्व क्या करते हो मेरे फ्रेंड बनने के लिए अब दोनों जोर से हंसने लग जाते हैं तो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी बच्चों आई होप बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी दोबारा पढ़ेंगे और इससे रिलेट करती है एक्सरसाइज बच्चे डू योर सेल्फ